नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम कर रहे हैं स्टूडेंट क्लास इलेवेंथ का टॉपिक स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री। क्लास इलेवेंथ टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक में से यूनिट थर्ड दी गई है, एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके सामने लेके आया हूँ स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर आपके सामने इसका सोल्यूशन बहुत ईजी वे में आपको दिखाता हूँ मैं। स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेडियन मीजर। जैसा कि आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि एंगल जो है वो हम दो तरीके से नाप सकते हैं, एक तो डिग्री में और एक रेडियन में। तो फाइंड द रेडियन मीजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मीजर, यानी कि इन चार पार्ट्स को आपने किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो पहले वाली नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लें, और अगर आप देखना नहीं चाहते हैं पहले वाली वीडियो तो एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका ये है कि रेडियन वैल्यू जो होगी, रेडियन वैल्यू को हम डिग्री में कैसे चेंज सकते हैं, कि डिग्री को अगर अपने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बहुत ही सिंपल सा एक मेथड आपको बता रहा हूं मैं कि अगर डिग्री वैल्यू जो हमें गिवन है, डिग्री वैल्यू जो भी गिवन है उसको अपने पाई अपॉन 180 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, रेडियन मीजर आ जाएगा। क्या बन जाएगा अपने पास, रेडियन मीजर। तो स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट आप करता हूं आपके सामने। क्या कह रहा है, 25 डिग्री दे रखा है स्टूडेंट हमें क्या दे रखा है, 25 डिग्री। तो जैसा कि मैंने आपको इस फॉर्मूले में बताया कि जो डिग्री है उसको अपने पाई अपॉन 180 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो 25 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 को क्या कर दिया स्टूडेंट, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया स्टूडेंट 5 5 जा 25 36 5 जा 180, ये बन गया आपके पास 5 पाई अपॉन 36। ये आपका रेडियन बन गया, रेडियन का साइन ये होता है स्टूडेंट सी, तो ये आप रेडियन का साइन लगा सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो काट दो, उसके अलावा जो बच गया मैटर वो सारा का सारा लिख दो। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं, -47 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ ये जो 30 मिनट है इसका एक्स्ट्रा रोल है स्टूडेंट। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो एक डिग्री होता है उसके अंदर 60 मिनट होते हैं स्टूडेंट, एक डिग्री के अंदर क्या होता है, 60 मिनट होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये माइनस तो हम साइड में रखेंगे, 47 डिग्री एज इट इज रहेगा, ये जो 30 है इसको हम 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 30 मिनट्स थे, 30 मिनट्स को हम 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड। क्यों कर दिया डिवाइड स्टूडेंट, क्योंकि ये जो मिनट्स गिवन है ना इसको भी हमने क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो स्टूडेंट इसको डिवाइड कर दिया, ये बन गया 1/2, ये हमारा क्या बन गया, 1/2, यानी कि ये बन गया -47 1/2 डिग्री। अब ये स्टूडेंट क्या बन गया, डिग्री, यानी कि इसको चेंज करके लिख सकते हैं हम 47 2 जा 94 प्लस 1, यानी कि ये बन गया 95/2 डिग्री। ये बन गया क्या अपना, 95/2 डिग्री। तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सा इसमें हम वही मेथड लगाएंगे, क्या करेंगे, माइनस तो आपका सेम रहेगा बाहर, 95/2 है, इसको अपनों ने क्या करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल बताया आपको मैंने कि जो भी आपको डिग्री वैल्यू दे रखी है उसको आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास रेडियन वैल्यू आ जाएगी। तो ये कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, 19 5 जा क्या होता है 95, और 36 5 जा क्या होगा, 180। तो ये 19 पाई बन गया, 19 पाई अपॉन 36 2 जा 72, ये आपके पास क्या बन गया, रेडियन बन गया, 19 पाई अपॉन 72 रेडियन। ये अपना सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया स्टूडेंट। थर्ड पार्ट लेके चलते हैं, थर्ड पार्ट में अपने को क्या दे रखी है वैल्यू, 240 डिग्री गिवन है स्टूडेंट। तो बिल्कुल वही मेथड करेंगे हम, क्या करेंगे, जो वैल्यू दे रखी है उसको अपना क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे स्टूडेंट, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कैंसिल किससे हो रहा है स्टूडेंट, 0 से 0 कैंसिल होगी, 6 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 6 3 जा 18 6 4 जा 24 6 3 जा 18 6 4 जा 24। तो ये क्या बन गया, 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन, ये आपके पास रेडियन बन गया। उसके बाद स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या था हमारे पास, 520 डिग्री। तो 520 डिग्री को कैसे चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए
520 डिग्री हमारे पास वैल्यू है, इसको अपनों ने चेंज करना है। तो 520 को सेम मेथड के अकॉर्डिंग पाई अपॉन 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो से जीरो होगी कैंसिल। स्टूडेंट टू की टेबल से इसको कैंसिल कर दो, 9 टू जा 18, 26 टू जा 52, तो बन गया 26 पाई अपॉन में 9 रेडियन, 26 पाई अपॉन में 9 रेडियन। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चारों के चारों पार्ट हमने क्या कर दिए स्टूडेंट, रेडियन में, चारों के चारों पार्ट हमने रेडियन में चेंज कर दिए। ये फर्स्ट आंसर है, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये लीजिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है हमारे पास। इस बार हमें क्या है कि ये चारों को पार्ट जो दिए हुए हैं ये रेडियन वैल्यू गिवन है और हमें इसकी क्या करनी है डिग्री वैल्यू बनानी है। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल, जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताया था कि रेडियन इक्वल टू डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने कि रेडियन इक्वल डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। इस बार हमें स्टूडेंट रेडियन गिवन है और डिग्री फाइंड करना है, तो इस पाई अपॉन 180 को हम इधर लेके जाएं, यानी कि लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दें, तो क्या बन गया आर इंटू, यानी कि रेडियन इंटू 180 जाएगा ऊपर और पाई आएगा नीचे, इधर क्या बन गया डिग्री। यानी कि सीधा सा एक मतलब निकल के आया हमारे पास कि अगर रेडियन वैल्यू को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या बन जाएगी स्टूडेंट, डिग्री वैल्यू बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी हमारे पास डिग्री। इसके चार पार्ट दिए गए हैं स्टूडेंट, चारों में से ये जो थर्ड और फोर्थ है ये बहुत ईजी है, तो पहले मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ स्टूडेंट, पहले थर्ड पार्ट देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड अभी करेंगे लेकिन पहले थर्ड और फोर्थ देख लीजिए, ये जल्दी समझ में आ जाएंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखी है रेडियन की वैल्यू 5π/3, तो आपको मैंने जैसे इस फॉर्मूले में बताया कि रेडियन की वैल्यू क्या है 5π/3 इंटू क्या करना है मुझे 180π करना है, इंटू क्या करना है मुझे 180π, तो ये जो पूरी वैल्यू बन जाएगी ये क्या बन जाएगी स्टूडेंट, डिग्री बन जाएगी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो इसको सॉल्व करना है, सिर्फ पाई से पाई हो गया कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कि 60 बन गया ये, तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास डिग्री वैल्यू बन जाएगी इसकी 300 डिग्री। तो स्टूडेंट बहुत ईजी था, जैसे कि आपको बताया थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या किया रेडियन वैल्यू गिवन थी उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करने के बाद क्या आ गया 300 डिग्री। ऐसा ही स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट बहुत ईजी है, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है हमें 7π/6 दे रखा है, ये रेडियन वैल्यू है, इसको मैंने क्या करना है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी डिग्री वैल्यू बन जाएगी। तो डिग्री वैल्यू बन गई, पाई से पाई हो गया कैंसिल, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 क्या बन गया हमारे पास 30 बन गया, ये 30, तो 7 × 30 डिग्री, यानी कि 7 3 जा 21, यानी कि 210 डिग्री, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। तो स्टूडेंट थर्ड और फोर्थ पार्ट बहुत इजी था, स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट और जो सेकंड पार्ट है ये दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं, अच्छे पार्ट हैं, कंपटीशन लेवल में भी बहुत बार आ चुके हैं। तो क्या कह रहा है 11/16, वर्क वही है, सिर्फ कैलकुलेशन का फ़र्क है, मेथड इसका सेम है। तो 11/16 ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने क्या किया 180/π से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी हम यही करेंगे 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास डिग्री बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास डिग्री। लेकिन स्टूडेंट यहाँ तो पाई था दोनों तरफ, तो पाई कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पाई एक है, तो यहाँ हमें 11/16 लिखा मैंने, 180 लिखा, इस पाई की वैल्यू मैं पुट करूँगा 22/7, जो अपॉन 7 है वो जाएगा ऊपर, ये हमारे पास क्या बन गई डिग्री वैल्यू बन गई, ये हमारे पास क्या बन गई स्टूडेंट डिग्री वैल्यू। अब जो जो कुछ में इसमें कुछ कटता है वो काट देते हैं स्टूडेंट, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, फिर 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, ये बन गया 2 1 जा 2, 45 2 जा 90, स्टूडेंट मेरे पास रह गया 45 × 7/8 डिग्री,
ये पार्ट बन गया मेरे पास 45 इंटू 7 अपॉन में 8 डिग्री। तो 45 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट, ये मेरे पास रहता है 315 अपॉन में 8 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ इसका मेन पार्ट आता है कि क्यों ये इन दोनों पार्ट से अलग है। स्टूडेंट एक्चुअल में क्या है कि यहाँ वाले जो दोनों आंसर थे वो बहुत ईजी थे, यानी कि डायरेक्ट वैल्यूज इसकी आ गई थी। यहाँ जो इसका आंसर आया है ये फ्रैक्शन में आया है, यानी कि अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। तो मुझे जो डिग्री वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट, डिग्री वैल्यू चाहिए, वो जो डिग्री वैल्यू है वो पॉइंट में नहीं लानी है। तो स्टूडेंट इसमें इसका मैं डिवाइड करता हूँ, तो सिंपल बात एक बात ध्यान रखें, अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करता हूँ, देखिए रफ वर्क मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ, तो 8 3 24 आ गया, यहाँ बच गया मेरे पास 7 75 हो गया, 8 9 72 ये बच गया 3। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैंने इसको सॉल्व किया और मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या कहती है, 39 प्रॉपर आ गया, यहाँ बच गया 3 अपॉन 8, ये हमारे पास है डिग्री, इतना डिग्री बन गया। एक्चुअल में स्टूडेंट मैंने आपको अभी बताया कि जो ये 3 अपॉन 8 है, यानी कि जो भी फ्रैक्शन है मुझे वो चेंज करनी है। और मैंने आपको पिछले पार्ट में एक बात बताई कि 1 डिग्री के अंदर क्या होता है, 60 मिनट होते हैं। ये जो 1 डैश है स्टूडेंट क्या शो करता है, मिनट। 1 डिग्री के अंदर क्या होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट, 60 सेकेंड। डबल डैश किसको शो करेगा, 60 सेकेंड को, यानी कि डबल डैश सेकेंड्स को शो करेगा। तो एक्चुअल में क्या है, इस रफ पार्ट को आप छोड़ दीजिए, हमने क्या करना है स्टूडेंट, ये जो 39 है ये तो प्रॉपर डिग्री बन गया, इसको डिग्री और बनाना है। तो जो ये 3 अपॉन 8 है इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, 39 सेम रहेगा, ये कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, इसको सीधा लिख दिया मैंने, 2 4 8 15 4 60, तो ये 15 × 3 बन गया, मेरे पास बन गया स्टूडेंट 45 अपॉन 2 डिग्री। 15 × 3 = 45। एक्चुअल में ये क्या बन गया, अब इसको और सॉल्व करना है स्टूडेंट मुझे, इसको मैं वापस सॉल्व करूँगा तो देखिए 45 में 2 का डिवाइड किया तो 22 2 = 44 बन गया, ये बन गया, तो मेरे पास रह गया 39 डिग्री 22 मिनट। उसके बाद भी क्या बच गई स्टूडेंट, 1/2 फ्रैक्शन बच गई। इसको वापस क्या करें, अगर अपने 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। तो मैंने इन दोनों पार्ट्स का यहाँ यूज़ किया है। बस ये ध्यान रखना है कि जो थर्ड और फोर्थ पार्ट था उसमें तो ये यूज़ नहीं हुए थे, लास्ट में यहाँ आके यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये यूज़ हुए हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, एक्चुअल में ये आंसर आ रहा था, इसको हमने सॉल्व किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया, उसको वापस 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि हमें पहले डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकेंड में ला के आंसर इसका सॉल्व करके छोड़ना है। ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट इसका, एक पार्ट इसका और बच गया सेकेंड पार्ट, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू दे रखी है -4। तो काम अभी भी वही करना स्टूडेंट, कुछ भी बदला नहीं है। इसको मैंने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, ये कर दीजिए, और -4 है, 180 है, पाई की जगह क्या लिख देंगे स्टूडेंट, 22 अपॉन 7। अपॉन वाला 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, अपॉन वाला 7 ऊपर गया। अब कुछ कट रहा है तो काट देंगे स्टूडेंट, क्या बच गया हमारे पास, 2 2 = 4, 11 2 = 22, ये बच गया। इसको और सॉल्व करें, माइनस इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 2520 अपॉन 11 डिग्री, ये बन गया स्टूडेंट डिग्री। तो सेम केस बन गया स्टूडेंट यहाँ पे कि ये जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको हमें पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व करना है, इसकी अगर मैं अब मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करता हूँ तो ये बनता है स्टूडेंट मेरे पास 229 1 अपॉन 11 डिग्री। तो स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था कि जो 1 अपॉन 11 है इसको मैंने क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 अपॉन 11 को क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई, तो 11 5 = 55, फिर वापस 5 बच गया स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर नहीं कट रहा, तो इसका क्या कर देंगे, -229 तो बच गया डिग्री, यहाँ पे 229 तो क्या बन गया, डिग्री,
फाइव क्या बन गया मिनट, क्योंकि फाइव पे जा रहा था। उसके बाद वापस क्या बच गया, फाइव अपॉन इलेवन बच गया, वापस क्या बच गया, फाइव अपॉन इलेवन। इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट ये एक बात ध्यान रखनी है, अभी क्या है इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ इतने पार्ट को, तो ये प्रॉपर आंसर फिर भी नहीं आएगा, यानी कि इसके बाद भी ये फ्रैक्शन में बचेगा। तो लास्ट में इसको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट आंसर ला के छोड़ना है। जैसे ये 229 डिग्री आया था, 5 मिनट आया था, ये बनेगा आपका 300 अपॉन 11, ये बनेगा 300 अपॉन 11। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 27 तो आएगा प्रॉपर, उसके बाद जो भी बचेगा उसको हम अप्रॉक्सीमेट में छोड़ देंगे। उसको क्या करेंगे, हम अप्रॉक्सीमेट में छोड़ देंगे। तो 300 में अगर 11 का डिवाइड करते हैं तो लगभग ये बनता है, तो उसको मैंने लिख लिया 27 सेकंड्स। ये इसका हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है स्टूडेंट, फाइनल आंसर 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड्स। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, जिसके चारों पार्ट हमने क्या कर दिए, डिग्री मेजर में चेंज कर दिए। डिग्री मेजर में चेंज करना था तो हमने डिग्री मेजर में इसको बदल दिया। थर्ड पार्ट आपके सामने जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक।